नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई करने के लिए बेचैन दिखने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक और नया कारनामा सामने आया है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये लोकसभा स्पीकर हैं, यानी लोकतंत्र के बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं और बड़ी कुर्सी उन्हें मिली हुई है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र बना रहे, सब कुछ मर्यादा में चले। लेकिन स्पीकर साहब का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हैरानी होती है कि यह गांधी का देश है और गांधी से इन्हें इतनी चिढ़ है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, इन पर आपत्ति खड़ा कर रहा है। ये राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए बेताब थे। तमाम नियम कानूनों को इन्होंने ताक पर रखते हुए आनन फानन में डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि लोकसभा सचिवालय के पूर्व जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि इसमें राष्ट्रपति से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, उनसे कोई भी राय नहीं लिए गए, जिस कारण से लोकसभा सचिवालय ने खुद को ही संपूर्ण अथॉरिटी बना दिया था। और ऐसे में ये सब नियमों की अनदेखी के तहत आता है। और लोकसभा स्पीकर पर गंभीर सवाल तो खड़े हो ही गए। सत्र भी खत्म हुआ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चाय पार्टी का पूरा विपक्ष ने बहिष्कार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ओम बिरला का कौन सा ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर मैं खुद हैरान हूं और पूरा देश भी हैरान है, उसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। दरअसल लोकसभा स्पीकर को महात्मा गांधी के आदर्शों से भी चिढ़ है। राजस्थान में एक गांधी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की एक स्कीम निकाली गई है और उसके तहत कई जगह पर गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन बाकायदा एक स्कूल पर पहुंचकर लोकसभा स्पीकर अपने फोन से अधिकारियों को हड़का रहे हैं और वहां पर मौजूद एक जो उनका नेता है, जो उनके साथ खड़ा है, वो भी फोन करके कह रहा है उनके ही फोन से कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुलेगा, इसे गांधी स्कूल नहीं बनाना है। आखिर लोकसभा स्पीकर को गांधी स्कूल से दिक्कत क्यों है? जरा देखिए यह वीडियो। राजकीय बालिका विद्यालय है ना बड़ौदा में, जिसको ये महात्मा गांधी नहीं बनाना है वरना यहाँ समस्या आ जाएगी बहुत भारी। हाँ, इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजना है, इसको हिंदी मीडियम में रखना है मैडम। इस वीडियो को शेयर करते हुए राफेल गांधी 2.0 ने क्या लिखा है जरा देखिए। लोकसभा अध्यक्ष जी राजस्थान के अधिकारी को अपने नंबर से फोन लगाते हैं, उनका एक प्यादा धमकी देता है कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम मत बनने देना वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। पता नहीं कौन सी समस्या खड़ी होगी, अध्यक्ष जी के बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम पढ़कर IAS और CA बन गए। खुद ओम बिरला के परिवार में सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले लोग हैं, खुद ओम बिरला अंग्रेजी बोलने वालों में से हैं, लेकिन इन्हें गांधी के आदर्शों से दिक्कत है। गांधी स्कूल बनने पर रोक लगवाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करवा रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। उस स्कूल पर लोगों की भीड़ है और सबको सुना रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश पड़ रहा है कि इसमें आवेदन भेजना ही नहीं है, इस स्कूल को गांधी स्कूल नहीं बनाना है। किस बात की चिढ़ है? आखिर पार्लियामेंट में लोकसभा जैसे पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी गई है और बिरला साहब के बिरले बिरले कारनामे हैं, क्या कहा जाएगा इस पर? इस संबंध में एक ट्वीट और देखिए आप, और जानकर आपको हैरानी होगी। कांग्रेस ने ही शेयर किया है ओम बिरला के इसी वीडियो को, वो क्या लिख रहे हैं उसे जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। नितिन अग्रवाल ने लिखा है, राजस्थान कांग्रेस सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए और दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी उन स्कूलों को नहीं खुलवाने के लिए अधिकारियों को फोन पर निर्देशित कर रहे हैं। आखिर बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति क्यों कर रही है? बीजेपी को दिक्कत क्या है? राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां जरा देखिए तो सही, बीजेपी वाले अपने वोट बैंक की सियासत के लिए बच्चों के भविष्य को सियासी रंग रूप में ढकेल रहे हैं। और इसका नुकसान क्या होगा? गांधी आदर्श स्कूल अगर खुलेगा, गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा, सरकारी स्कूल के बच्चे अगर अंग्रेजी सीखेंगे पढ़ेंगे तो क्या उन्हें देश में आगे बढ़ने का हक नहीं है? अगर सरकार सुविधा मुहैया करा रही है तो लोकसभा स्पीकर को क्या दिक्कत हो गई? ये वही लोकसभा स्पीकर हैं जो अपने हिसाब से पार्लियामेंट को चला रहे हैं, नियम कानून की अनदेखी की जा रही है। वैसे तो राहुल गांधी
सूरत के कोर्ट पहुंच चुके हैं, वहां पर उन्हें उनकी सजा पर जमानत दे दी गई है। लेकिन यह सजा खत्म होगी और फिर लोकसभा सदस्यता बहाल होगी, उसके लिए भी आपको 13 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। वहां से सारे रास्ते निकल जाएंगे और उसके बाद किनको क्या फटकार पड़ती है, किनको क्या निर्देश दिया जाता है अदालत के द्वारा, इसका भी इंतजार रहेगा। क्योंकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तो एक अलग ही मुहिम छिड़ चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में था इसी सत्र में, लेकिन इस बीच मामला फिट नहीं हो सका, संसद चल नहीं सका, समय बच नहीं सका। और इस बार तो विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, जबकि अमित शाह रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार का बजट सत्र ऐसा हुआ कि बिना किसी चर्चा के ही बजट सब पास करना पड़ा, बहस भी नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। आरोप प्रत्यारोप करना आसान है, लेकिन जेपीसी की मांग किसी दिशा में गलत नहीं थी। राहुल गांधी के ऊपर जो भी हुआ उस मामले पर चर्चा की जरूरत थी, अडानी का केस जो था उस पर चर्चा की जरूरत थी क्योंकि देश के पैसे की बात थी। लेकिन सत्ता पक्ष ने ठान लिया था कि गौतम अडानी पर कोई सवाल पूछेगा तो उनके साथ राहुल गांधी जैसा सलूक कर दिया जाएगा, भले ही चाहे कोई ना कोई केस खुलवाकर जेल में डालने की सजा क्यों ना सुनवा दी जाए, लेकिन बोलेंगे नहीं। जेपीसी की मांग होती रह गई, कुछ हुआ नहीं। अंतिम दिन तो फिर कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा, तिरंगा मार्च निकाला गया और कहा गया कि तानाशाही की तरफ देश बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर के चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया जो कि पारंपरिक था। अब जब संसद को चलने नहीं दिया जाएगा तो फिर परंपरा की दुहाई देकर क्या दिखाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा स्पीकर के इस वीडियो पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं। प्रवीण जैन ने कमेंट में लिखा है कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है, गरीब का गरीब ही रहें और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़कर विश्व विचारधारा से दूर रहें और धर्म के नाम पर भाजपा संघ की रैलियों की भीड़ बने, बाकी भाजपा नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ाई करेंगे। जाहिर तौर पर इनका कहना गलत नहीं है। गरीबों को आप स्कूली शिक्षा से, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से दूर रखकर क्या साबित करना चाहते हैं, जब इस देश समेत दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा की जरूरत पड़ती है, या एक स्किल के तौर पर इसे क्यों नहीं सीखना चाहिए? अगर सिखाने की सुविधा सरकार दे रही है तो आपत्ति क्या है? खुलकर ओम बिरला बोलेंगे कि गांधी स्कूल नहीं खुलना चाहिए और अपने फोन का इस्तेमाल कर देंगे ताकि अधिकारियों को भड़काया जाए कि आप यहां पर इस स्कूल को गांधी स्कूल नहीं बनने देंगे। बड़ा सवाल है, इसका जवाब लोग तलाश रहे हैं क्योंकि ओम बिरला की भूमिका दिन पर दिन संदेहास्पद होती दिखाई पड़ती है। एक और कमेंट लेते हैं जो सिद्रा ने लिखा है। इनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं और जो कर रहे हैं तो उन्हें धमकी दे रहे हैं, अधिकारियों को डांट रहे हैं क्योंकि यह चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ें, बाकी सबके बच्चे अनपढ़ रहे, क्योंकि बच्चे पढ़ ले गए तो तर्क वितर्क करेंगे, इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, बस सब बच्चे अनपढ़ रहे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर अगर इस रूप में पेश आएंगे, समाज में यह संदेश देंगे कि स्कूल अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए, गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होने चाहिए, तो विडंबना है इस देश की कि हमारे पास लोकसभा के ऐसे स्पीकर बैठे हुए हैं जिनकी भूमिका को लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है और देश की आम जनता भी हैरान है कि पढ़ने लिखने से बच्चों को रोकने के लिए अंग्रेजी स्कूल नहीं खुलने देना चाहते हैं। वहीं आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सहारे मोदी सत्ता कितने काम करवा रही है। सदन में बिना चर्चा के कुछ भी पास हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 50,000 करोड़ का बजट पास करा लिया गया बिना किसी चर्चा के, जबकि 45 लाख करोड़ का खर्च पास करा लिया गया महज 9 मिनट की चर्चा में, जिसमें विपक्ष वॉकआउट कर चुका था और अपने आप में ही सारा फैसला हो गया। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मोदी सत्ता इतना बेचैन क्यों थी, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बिना संज्ञान में लिए, उनसे बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा किए, बिना किसी बहस के 45 लाख करोड़ रुपए का खर्च अगर पास करा लिया जाता है तो सवाल यह है कि यह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है और इस पर तो गंभीर सवाल उठने ही चाहिए। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जो यह वीडियो वायरल हुआ है उस पर लोग गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर के ऊपर भरोसा कम होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।